वोकैबुलरी लेक्चर है आपका। हमने देखा कल कि नाउन को हम कैसे यूज़ करते हैं, अब देख रहे हैं कि एडजेक्टिव को कैसे यूज़ करते हैं। हाउ टू यूज़, यहाँ लिख देता हूँ, हाउ टू यूज़ एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। देखिए, उससे पहले जानना होगा कि एडजेक्टिव का जो फंक्शन होता है, एडजेक्टिव का फंक्शन होता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताना बताना। जैसे नाउन अच्छा है, बुरा है, मोटा है, काला है, गोरा है, इटीसी। तो जब आप एडजेक्टिव लगाएंगे तो देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहला तरीका होता है कि पार्ट ऑफ अ सब्जेक्ट। कैसे पार्ट ऑफ सब्जेक्ट होगा? लेट्स से कि सब्जेक्ट हमारा गर्ल है, एक लड़की है, ये सब्जेक्ट है। मैं लड़की के बारे में कह रहा हूँ कि गर्ल इज़ कमिंग, गोइंग, वट एवर, कमिंग, गर्ल इज़ स्लीपिंग, जो भी मैं कह रहा हूँ। लेकिन अब ये गर्ल एकदम खाली खाली नहीं लग रहा, ऐसा सूना सूना लग रहा है, बिना हल्दी का, बिना नमक, कैसा नहीं लग रहा है? लग रहा है ना, सुना सुना है, थोड़ा इसको रंगीन बनाते हैं। तो अभी ये मेरा सब्जेक्ट है, लड़की सब्जेक्ट है, तो मैं इस सब्जेक्ट में कुछ और पार्ट्स ऐड करूँगा ताकि सब्जेक्ट खुलकर तैयार हो जाए। तो इसको हम कहते हैं कि एडजेक्टिव कैन बिकम द पार्ट ऑफ अ नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज का मतलब है कि अगर हमारा एक नाउन है, गर्ल लिखा हुआ है, तो ये मेरा नाउन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ वर्ड लिख दूँ, यहाँ गर्ल लिख दूँ, तो ये बनकर क्या बन जाएगा? याद कीजिए, मैंने कभी सिखाया होगा, क्या बन जाएगा? नाउन फ्रेज। अगर मैं यहाँ वर्ड लिखूँ, यहाँ गर्ल लिखूँ और यहाँ फिर से वर्ड लिख दूँ, तब भी क्या बन जाएगा? नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज। तो ये जो वर्ड वर्ड है, इस वर्ड के अंदर क्या क्या हो सकता है? इस वर्ड के अंदर एडजेक्टिव हो सकता है, इस वर्ड के अंदर आर्टिकल हो सकता है, इटीसी। एक मिनट, जो कॉल आ रहा है, यस, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर। तो इस एडजेक्टिव होता है, आर्टिकल होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे माई होती हैं, योर है, हिज है, हर है, इटीसी, इन शब्दों में भरा रहता है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि अ गर्ल इज़ कमिंग, तो अभी जो आप गर्ल देख रहे हो, गर्ल से पहले ए है, तो ए क्या है? एक आर्टिकल, आर्टिकल है, एक आर्टिकल आया, उसके बाद हमारा गर्ल क्या है? एक नाउन है, ये ना, नाउन, हाँ जी। तो भी ये बनकर क्या हो गया? नाउन, नाउन फ्रेज, छोटा नाउन फ्रेज है। तो जब मैं कोई एडजेक्टिव सीखूंगा तो मैं नाउन फ्रेज के अंदर उसको फिट करूंगा। तो मैं कैसे फिट करूंगा कि मैंने ए लगाया, एक एडजेक्टिव मैं ले लेता हूँ गॉर्जियस, ये मेरा एक एडजेक्टिव है, गॉर्जियस। तो मैंने ए गॉर्जियस और यहाँ पे गर्ल लगाया, लिखा है कि गॉर्जियस गर्ल इज कमिंग। तो मेरा एडजेक्टिव सब्जेक्ट के अंदर फिट हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, यस सर, आखिर गर्ल सब्जेक्ट ही है और सब्जेक्ट का पार्ट, तो सबसे ऊपर मैंने क्या लिखा था? पार्ट ऑफ अ सब्जेक्ट, है ना। और पार्ट ऑफ अ सब्जेक्ट में भी सब्जेक्ट पूरा का पूरा एक नाउन फ्रेज रूप में रहेगा, यू नो, बता दिया ना मैंने। तो अ गॉर्जियस गर्ल, तो यहाँ पर कोई बोले कि भाई ए क्या है, तो ए मेरा आर्टिकल है, गॉर्जियस क्या है, तो ये adjective मेरा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव और गर्ल क्या है? नाउन, नाउन है, और ये टोटल मिलाकर क्या हो गया? नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज हो गया। और ये काम
सब्जेक्ट का कर रहा है, सब्जेक्ट का कर रहा है। अच्छा सब्जेक्ट का कर रहा है, लेकिन मेन सब्जेक्ट कौन है, गॉर्जियस है कि गर्ल है? गर्ल मेन सब्जेक्ट गर्ल गर्ल है, बाकी क्या कर रहा है, बाकी उसके बारे में बारे में बता रहा बता है, रहे हैं, बता रहे बारे में हैं। कुछ बता रहा है, बता रहा है। तो एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव नाउन के सब्जेक्ट बारे में बारे बताता में है। कुछ बताता है कि नाउन चोरनी है कि चोर है, यू नो सब बताएगा। गेटिंग द पॉइंट, है यस ना मज़ेदार। सब्जेक्ट का हमने हिस्सा बनाया, तो अभी मैं चाहूँगा कि आप लोग पहले इसको सब्जेक्ट की तरह ही यूज़ करके देखें, सब्जेक्ट की तरह नहीं, सब्जेक्ट का हिस्सा। सब्जेक्ट की तरह कौन यूज होता है, कल जो सीखा था याद है ना, नाउन नाउन यूज होता है। नाउन तो अब मैं कहता हूँ, एक वर्ड है मेरा, वर्ड है स्ट्रांग। मैं कहता हूँ जी स्ट्रांग एडजेक्टिव है, और किसी बच्चे को मैं स्ट्रांग याद करा रहा हूँ कि बेटा स्ट्रांग का मतलब मजबूत होता है, मजबूत होता है। और उसने बोला कि सर जी ये स्ट्रांग को मैं लगाऊं किधर, तो मैंने बोला कि भाई लगाओ लगाओ इसको, नाउन फ्रेज का पार्ट बनाओ, पार्ट ऑफ अ नाउन फ्रेज करो जरा। और भी नाउन फ्रेज मैं अभी किस रूप में जा रहा हूँ, एज अ सब्जेक्ट वाला। सब्जेक्ट तो ठीक है जी, तो सब्जेक्ट मतलब नाउन, तो नाउन किसी में इंसान का जिक्र करता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि या कोई चीज़ भी ले लेता हूँ, मान लो मैं कहता हूँ टेबल, टेबल मेरा एक चीज़ है, मैं कहता हूँ कि टेबल इज टेबल इज देयर, टेबल वहाँ पर है। अब टेबल मेरा एकदम अकेला बिना नमक उमक के है, इसको मैं थोड़ा डेकोरेट करता हूँ। मैं ऐसे भी डेकोरेट कर सकता हूँ कि माई टेबल इज़ देयर, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ ना, माई टेबल इज़ देयर। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि द टेबल इज़ देयर। तो मैं स्ट्रॉन्ग को कैसे फिट करूँ टेबल के साथ, कैसे फिट होगा? ठीक है, माई स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग द टेबल इज अ स्ट्रॉन्ग। अभी मैंने कहा कि ये सब्जेक्ट का सर हिस्सा बना आज रहा स्ट्रॉन्ग टेबल इज नेवर ब्रोकन, द स्ट्रॉन्ग टेबल इज देयर, द स्ट्रॉन्ग टेबल इज देयर, डाइनिंग स्ट्रॉन्ग टेबल इज मेड ऑफ सेंटर वुड। यानी कि द सर ऐसा हो सकता है द स्ट्रॉन्ग माय टेबल स्ट्रॉन्ग इज मेड टेबल इज ऑफ वुड। देयर, हाँ द स्ट्रॉन्ग और यहाँ टेबल। अब मेरा ये पूरा सब्जेक्ट बना कि नहीं बना, बन गया ना, यस है ना। तो मैंने ये सब्जेक्ट बना, बट ये पूरा एक नाउन फ्रेज है ना, और ये नाउन फ्रेज मेरा अभी सब्जेक्ट की तरह मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं इसको इज विज कुछ तो लगाऊंगा, टेबल है तो इज लगाऊँ कि आर लगाऊँ, इज इज लगाऊँ। लग स्ट्रॉन्ग टेबल इज देयर, यानी कि मजबूत टेबल वहाँ है। तो यहाँ पर मैंने एडजेक्टिव यूज़ कर लिया, आराम से स्ट्रॉन्ग को यूज़ कर लिया। ऐसे बोल अच्छा सकते हैं स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर शुड हैव गुड हेल्थ। यस, अगर मैं कहता हूँ कि स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर क्या होना चाहिए, शुड हैव गुड हेल्थ, गुड हेल्थ। हो गया, मैंने आराम से अपने एडजेक्टिव को सब्जेक्ट के अंदर घुसा दिया, बस कैसे भी सब्जेक्ट में घुसा देना। सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, इस ए है, स्ट्रॉन्ग है कि कौन है, बॉडी 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 बिल्डर। ये पूरा बॉडी बॉडी बिल्डर, हाँ सब्जेक्ट, जी बॉडी बिल्डर, हाँ ये पूरा एक सब्जेक्ट है बॉडी बिल्डर। इस बॉडी बिल्डर की यहाँ पर तारीफ हो रही है। तो कहने का मतलब है कि हम किसी एडजेक्टिव को सब्जेक्ट के आगे पीछे घुसा सकते हैं ना, उसकी एंट्री करा सकते हैं। किस लिए एंट्री करा रहे, ताकि उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा और बता सके चल कि वो मजबूत है, वो अच्छा है, वो बुरा है, ये बता सके। तो अब मैं आपको एक देता हूँ, लेट्स से कि मैं आपको कहता हूँ कि वाइवेशियस। मैंने एक वर्ड आपको सिखाया, मैंने कहा कि भाई ये एक एडजेक्टिव है। वाइवेशियस का मतलब यूं समझ लो कि एकदम जो हंसमुख होते हैं ना, एकदम जिंदा दिल इंसान, है ना, हंसमुख जिंदा दिल। अब मैं कहता हूं कि मुझे इसको सब्जेक्ट के कहीं घुसा के बताओ भाई, यूज करो। आई मैडम वो ऑब्जेक्ट हो लाइक गया, वेरी पीपल, अ वेरी चीयर्स लेडी लिव नियर बाय मी,
हाँ जी, तो हम इसको कैसे यूज करेंगे? अ विवेशियस वाइवेशियस लेडी लिव्स, सॉरी लव क्या हो गया मुझे, लिव्स ओके नियर बाय, नियर बाय मी. विवेशियस पीपल आर लाइक्ड बाय एवरीवन. हाँ ये भी सही है कि इन्होंने कहा कि वाइवेशियस पीपल आर लाइक्ड बाय एवरीवन. इसको मैंने पैसिव की तरह यूज कर लिया, यू नो पैसिव. विवेशियस पीपल अट्रैक्ट्स एवरीवन. ये भी हो गया. यस्टरडे आई सॉ ए विवेशियस वो अभी ऑब्जेक्ट है, रुको रुको वो ऑब्जेक्ट में जा रहा है. होल्ड योर हॉर्सेस. होल्ड लगाम लगाएगी अभी तो सब्जेक्ट में हो जाए. तो कुछ तो समझ में आ रहा हो कि हम सब्जेक्ट में घुसा सकते हैं एडजेक्टिव को, राइट? यस सर, घुसा सकते हैं, है ना? ठीक है. वैसे वाइवेशियस को एक बार गूगल पे सर्च मार लीजिएगा, रेखा जी मारिएगा, और एक बार इसका चेक कीजिए कि वाइवेशियस है कि विवेशियस है. ओके. क्योंकि कई लोग कुछ भी बोल सकते हैं. वाइवेशियस ही सर. वाइवेशियस है ना जी. तो हाँ बोलिए. यस सर. तो ये जो हमारा एडजेक्टिव आ रहे हैं ये हमेशा सर सब्जेक्ट से पहले ही होगा कि बाद में भी हो सकते हैं? सही पकड़े हैं, सही सवाल है. हैं नजफगढ़ की रानी. ठीक है. आइए, तो रूल कहता है कि जो वर्ड वाले एडजेक्टिव्स होते हैं, वर्ड वाले जैसे गुड बैड स्ट्रांग होते हैं ना, तो पहले एडजेक्टिव आएगा बाद में नाउन आएगा. ऐसे नियम ऐसे होता है. जैसे कि अगर मैं कहता हूँ ब्यूटीफुल गर्ल, ये करेक्ट है, लेकिन अगर मैं नाउन के बाद एडजेक्टिव लगाऊंगा वर्ड वाला एडजेक्टिव तो रॉन्ग हो जाएगा. जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि गर्ल ब्यूटीफुल, गर्ल ब्यूटीफुल तो कुछ नहीं होता सर, तो फिर ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. जैसे मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ कि अ ब्यूटीफुल गर्ल वॉज क्राइंग, ये करेक्ट है, लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूंगा कि अ गर्ल ब्यूटीफुल वॉज क्राइंग रॉन्ग. ब्यूटीफुल इट मीन्स एडजेक्टिव, ये वर्ड वाले एडजेक्टिव हमेशा नाउन की विशेषता बताते हैं. तो ये अच्छा है सर. अभी मतलब आगे हम कभी भी ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि राइट साइड में कुछ भी नाउन के बाद कोई एडजेक्टिव, कभी ऐसा नहीं होता सर, मतलब पहले ही आना चाहिए सब्जेक्ट से पहले एडजेक्टिव. जब शादी के मंडप में दूल्हा दुल्हन बैठते हैं तो कभी दाएं कभी बाएं एक आता है कि एक बार इधर से उधर भी बैठा जाता है, वो नियम आएगा. हाँ, लेकिन ये नॉर्मल वर्ड वाले का नहीं है, आएगा उसका एक नियम आएगा. Sir, that Vavish girl who is my friend, is it correct sentence or not? Correct है, correct है. किधर मैं wrong कर रहा था? Girl beautiful wrong है, right कहाँ गया? हाँ ये right. इधर वाला correct है. देखिए अच्छा, रही बात कि अब जो ये article है, मान लो मैं वैसे ये सब बच्चों वाली बात है, but फिर भी बताता हूँ कि जो an है इसकी भी पोजीशनिंग इधर से उधर नहीं होनी चाहिए. कभी कोई ऐसे ना कर दे कि ब्यूटीफुल और यहाँ पर ए गर्ल लगा दे, यू नो, तो ये गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर, हमेशा एडजेक्टिव से पहले ही आ जाएगा ये. तो आर्टिकल का नियम है, मतलब आर्टिकल, हालांकि मुझे याद है कि मैंने जरूर ये पढ़ाया होगा बेसिक बैच में कि जो आर्टिकल है, खासकर मैं अभी ए को ले लेता हूँ या एन को ले लेता हूँ, तो ए और एन, ए और एन के बाद नाउन होता है. ये क्लियर हो गया? जैसे मैं कहता हूँ कि अ बुक, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, अ बुक. यस सर. या मैं कहता हूँ कि एन एप्पल, ये करेक्ट है, लेकिन जैसे एडजेक्टिव आएगा तो इनके बीच दीवार पैदा करेगा, यू नो, इनके बीच में घुसेगा, वो इनके बीच में घुसेगा. मैं लिख देता हूँ, हाँ,
कि जैसे ही एडजेक्टिव आएगा माँ और बेटे को अलग कर देगा, अलग कर देगा और बीच में घुस जाएगा। कैसे घुसेगा? ये बेचारा ए और ये एन है, अच्छा खासा इसके बगल में था ना, नाउन था इसके बगल में, ऐसे था। अब बीच में क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा, नाउन यहाँ भाग जाएगा, हो जाएगा अ लेट्स ए ब्यूटीफुल बुक। अब समझ में आ रहा है? देख रहे हो ये कहाँ दोनों को जुदा करके बोले हट, ये मेरी पोजीशन है, हवा आंदे यहाँ आ गया। ये है ना बेसिक एन एप्पल के बीच में कैसे एन से पहले के बाद आएगा, आएगा रेखा जी जब ये बीच एन रोटन एप्पल जुदा कर देगा सबको, तो एन मान लो रोटन एप्पल सड़ा हुआ एप्पल। तो फिर हाँ एक और चीज कॉमन सेंस और बताता हूँ, पहलू लिखना जरूरी है, रेखा जी ने सही पकड़ा, समझा दूं मैं। कि जब जब n n प्लस नाउन है, n प्लस नाउन के बीच में कोई एडजेक्टिव आ जाए तब वो एडजेक्टिव के साउंड के हिसाब से लगेगा। यही मेरा पॉइंट था, ए या एन हो जाएगा, यही मेरा है पॉइंट था। तो अब बेचारा अच्छा खासा एन एप्पल था, अब देखो कि वो बीच में आते कैसे रंग बदल दिया बीच में रोटन एप्पल, यस एन नहीं आएगा। ठीक है, दिस वाज माय क्वेश्चन। ये बहुत खतरनाक है एडजेक्टिव, जिस घर में जाता आग लगा देता है। कंसोनेंट आ गया ना इसलिए ए को रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस कर दिया। बेचारा एप्पल कह रहा है कहाँ गया मेरा एन, हे मेरे एन कहाँ गया, तू ऐसा ना था कभी, ये आई और तुझे बदल दी। सर इसका एक आध एग्जांपल और भी दे दीजिए साथ में। हाँ सर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए इसको। ओके फाइन, जैसे कि जैसे एन अम्ब्रेला, दिस इज अम्ब्रेला उठा ले, दिस इज एन अम्ब्रेला, यह एक अम्ब्रेला, अच्छा खासा एन लगा हुआ है। ओके कैसे भी हम चेंज कर ले कि आई हैव बॉट एन अम्ब्रेला, मतलब भी मैं ये साबित कर रहा हूँ कि अम्ब्रेला से एन कैसे चिपका हुआ रहता है, देख रहे हो, आई हैव बॉट एन अम्ब्रेला, आई वांट एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ओके, बाय मी एन अम्ब्रेला, मुझे छाता खरीद दो, छाता खरीद दो, ये सब हम कर रहे हैं। अब जैसे छाता के तारीफ वाले शब्द आएंगे है ना, जैसे कि मान लो कि मैं छाता को बाय मी अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, मेरे पास तारीफ वाले शब्द है, बिग है, मेरे पास ब्यूटीफुल है, छाता लंबा भी होता है, हाँ लॉन्ग है मेरे पास, ओके शॉर्ट है, शॉर्ट कलर है, स्टाइलिश हो सकता है छाता, स्टाइलिश है, हम कलरफुल है, हाँ करे वाह लड़की कलरफुल है, कलरफुल है। चलिए तो अब कैसे होगा, तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास एक यू नो लाइक अम्ब्रेला को मैं बिग करके दिखा रहा हूँ, तो आई हैव, अब पहले मैं बिग को लिख रहा हूँ कि आई हैव बिग और यहाँ मैंने अम्ब्रेला लिखा। अब मुझे वो जो ए या एन लगाना है वो ये अम्ब्रेला को देख कर नहीं होगा, अब ये देखते होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आई हैव अ आई हैव अ बिग अम्ब्रेला, ठीक है ना, ये हमारा करेक्ट हो गया। अगर अगर किसी को प्लीज जैसे अगर किसी के जैसे कोई बच्चा है उसके दिमाग में तो उसके टीचर ने रटाया बेटा अम्ब्रेला में एन आता है, यस सर, अब वो गलती से ये बोल दे आई हैव एन बिग अम्ब्रेला तो क्या हो जाएगा, बेटा महा गलत इंग्लिश, हाँ गलत हो जाएगा ना। अच्छा सर लेकिन जैसे हमारे
कॉन्सोनेंट ना होकर वॉवल हुआ तब तो एन ही आएगा, तब है नहीं। जैसे कि अगर मैं अम्ब्रेला को अट्रैक्टिव कहता हूँ, एन अट्रैक्टिव, तो अट्रैक्टिव मेरा एडजेक्टिव है और गलती से इसका साउंड भी वॉवल वाला ही है, यू नो। और अम्ब्रेला का तो वॉवल वाला है ही, लेकिन हमें अब अम्ब्रेला को नहीं देखना, हमें एडजेक्टिव के साउंड को देखना। तो आई हैव एन अट्रैक्टिव अम्ब्रेला। अम्ब्रेला की जगह बॉल भी होता ना, तब भी मैं ऐसे कहता कि आई हैव एन अट्रैक्टिव बॉल, अट्रैक्टिव बॉल, क्योंकि अब मैं बॉल का बी साउंड नहीं देख रहा हूँ, मैं अट्रैक्टिव का ए साउंड देख रहा हूँ। आया आ रहा है समझ में? यस। चलिए, तो हमने ये देखा कि कोई भी नया एडजेक्टिव हमें मिलेगा तो हम उसको सब्जेक्ट की तारीफ करने में यूज कर सकते हैं, राइट? हो गया। अब मैं इसमें दिखाता हूँ कि एज अ पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अब मैं ऑब्जेक्ट का पार्ट इसको बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट भी हमारा सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट भी ऑफ कोर्स हमारा नाउन फ्रेज ही रहने वाला है, नाउन फ्रेज रहेगा और इसी बीच में हम घुसा देंगे अपने एडजेक्टिव को। तो मैं वही वाइवेशियस ही उठाता हूँ ताकि वर्ड भी याद करवा दूँ ना। वाइवेशियस मेरा एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या मैंने कहा था? जिंदा दिल है, जिंदा दिल। अब मैं कहता हूँ जिसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करो, ऑब्जेक्ट के अंदर ले जाओ, अंदर ऑब्जेक्ट की तारीफ करवाओ। तो आई सॉ अ वाइवेशियस गर्ल। तो देखो, आई मेरा सब्जेक्ट, सॉ मेरा वर्ब, और ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट का हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ? देखो देखो, हुआ, ये ऑब्जेक्ट है, देखो ना। अगर मैं कहता हूँ कि भाई मेरा सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है मेरा आई, साफ दिख रहा है। मेरा वर्ब कौन सा है? वर्ब है सो, तो मेरा ऑब्जेक्ट किधर है, कोथा है? अच्छी, ये रहा। अच्छा, इसमें से कोई बोले कि पूरा का पूरा जो अवाइवेशियस गर्ल है, ये पूरा क्या है? पूरा नाउन फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है। इसमें बोले कोई भाई मेन ऑब्जेक्ट कौन है, तो मेन ऑब्जेक्ट कौन है? गर्ल है, गर्ल है, गर्ल है। कोई बोले भाई ए क्या है? आर्टिकल है। ये वाइवेशियस क्या है? एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि गर्ल की विशेषता बता रहा है। इन तीनों को आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन को मिला दिया तो क्या बन गया? नाउन फ्रेज। फ्रेज, ओके, ठीक है। अच्छे, ठीक है, अच्छे, ओके। आमी मंजोलिका, फेयर इनफ। तो अब एडजेक्टिव को हम दो तरीके से तो यूज कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं ना? तो मैं चाहता हूँ कि अभी आप ऑब्जेक्ट की तरह को यूज करके मुझे दिखा, ऑब्जेक्ट की तरह। आई सॉ अ हॉरर मूवी। करेक्ट, सही पकड़े, सही है। चलिए, अब मैं आपको एक एडजेक्टिव देता हूँ। एडजेक्टिव हमारा है डिवास्टेटिंग, एक एडजेक्टिव। Devastating का मतलब है विनाशकारी, विनाशकारी मतलब कि जो सब कुछ बर्बाद कर दे ना, विनाशकारी, तबाह करने वाला, तबाह करने वाला। अब तबाह करने वाला किसी का एटीट्यूड भी हो सकता है, यू नो, तबाह करने वाली हरकतें भी हो सकती हैं, तबाह करने वाला कोई एक्सीडेंट भी हो तो हो सकता है, डिवेस्टेटिंग कोई घटना, डिवास्टेटिंग और द स्टॉर्म वाज डिवास्टेटिंग। अच्छा, तो इससे पहले कि आप बनाए, मैं इसका तीसरा तरीका बता दूं कि थर्ड जो है कि एडजेक्टिव को स्टेट ऑफ बीइंग के कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं बोल दूं कि इट वॉज
devastating moment. State of देखो इट वॉज ये स्टेट ऑफ बीइंग में आ गया इज आर एम वाज वर्क के बाद देखो कोई ऐसे कोई ऑप्शन नहीं यस सर मतलब वो मोमेंट बहुत ही डिवास्टेटिंग था ओके मैं बिना मोमेंट के भी इसको दिखा सकता हूं मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इट इज डिवास्टेटिंग खाली मैं यहां पे रुक गया कि ये बहुत विनाशकारी ये तो विनाशकारी है डिवास्टेटिंग हालांकि डिवास्टेटिंग को ना एक बार गूगल पे देख लीजिएगा कि इसकी एग्जैक्ट हिंदी क्या है ये तो मैंने आपको सिचुएशनल बता दिया एग्जैक्ट यही होगा विनाशकारी यही है विनाशकारी ठीक डिस्ट्रॉय हां जो डिस्ट्रॉय कर दे यू नो डिवास्टेटिंग इट इज अ डिवास्टेटिंग स्टॉर्म हां स्टॉर्म स्टॉर्म डिवास्टेटिंग स्टॉर्म वाज इन चेन्नई स्टॉर्म दैट पर्सन डिवास्टेटिंग बिहेवियर माय लाइफ स्टॉर्म होते हैं ना जैसे अगर कोई बोले कि आई कांट हैंडल हिज डिवास्टेटिंग नेचर बिहेवियर तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का पार्ट है ये देखो ये सब्जेक्ट हो गया हैंडल वर्ब हो गया और ये पूरा का पूरा मेरा एक नाउन फ्रेज हुआ कि नहीं हुआ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में ये बिहेवियर के बारे में बता रहा है कैसा बिहेवियर डिवास्टेटिंग बिहेवियर जो सब सत्यानाश करने वाला हो तो इस नाउन की विशेषता बता रहा है कैसा बिहेवियर डिवास्टेटिंग बिहेवियर समझ में आ रहा है ना Yes, sir. Yes, sir. That person devastating behavior is my life. कहना क्या है आपको हिंदी में? उस व्यक्ति के विनाशकारी behavior से life खराब हो गई. अब क्या होगा? That person, that person's devastating behavior, my life. Spoiled my life. Spoiled my life. Spoiled my life. That man से पहले devastating नहीं आएगा सर हाँ हाँ आ सकता है जैसे actually होता है क्या है कि अगर मैं जैसे man है अगर man से पहले लिखूंगा तो फिर मैं आदमी के बारे में बोलूंगा क्यों आदमी ही विनाशकारी है ना ओके the devastating man man's behavior हाँ लेकिन अब मुझे मैन के बिहेवियर को डिवेस्टेटिंग दिखाना है तो मैं मैन में पहले अकेला छोड़ दूंगा कि द मैंस अब यहाँ लगाऊंगा डिवेस्टेटिंग बिहेवियर तो यहाँ पर ये आदमी के बारे में अब नहीं बता रहा है अब उसके बिहेवियर के बारे में बता रहा है मैंने कहा ना कि नाउन इधर होगा और यहाँ पे जो एडजेक्टिव होगा वो अब इसको नहीं इसको मॉडिफाई करता है नो अपने आगे आने वाले को हाँ जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पर अगर ब्यूटीफुल है और यहाँ गर्ल है तो इस गर्ल को ये मॉडिफाई कर रहा है यू नो गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है लेकिन गर्ल ब्यूटीफुल नहीं हो सकता ना ये मैंने कहा था ना रॉन्ग हो जाएगा तो उस हिसाब से मैंस डिवेस्टेटिंग नहीं हो सकता है ये बिहेवियर को ही मॉडिफाई करेगा अगर आदमी खतरनाक है डिवेस्टेटिंग है तो आदमी के इधर ले आना पड़ेगा यू नो डिवेस्टेटिंग को जैसे कि डेंजरस क्या होता है हमारा एडजेक्टिव है ना डेंजरस एडजेक्टिव है हमें बोल के भाई डेंजरस को यूज करो एक सब्जेक्ट का पार्ट बनाओ या ऑब्जेक्ट का या कॉम्प्लीमेंट बना के दिखाओ डेंजरस डेंजरस ही इज अ डेंजरस मैन तो यहाँ पर हमारा क्या कॉम्प्लीमेंट हो गया ना कॉम्प्लीमेंट हाँ जी ये कॉम्प्लीमेंट हो गया Dangerous man. I don't is... like a dangerous man. ये object हो गया. Dangerous man is हानिकारक हानिकारक कुछ. हाँ dangerous man Handful. always always devastating. A dangerous always devastating. Yes sir वही बोल रही थी. Yes sir. ज़बान पे नहीं आ रहा था. हाँ dangerous man always devastating. Smoking is injurious for health. Dangerous for health. हाँ वही वही.
तरह की क्लास का एक इसका भी एक अलग मजा है, नशा है नहीं? अच्छा सर, मजा ही आ जाता है क्लास में। हां तो मतलब पता ही नहीं होता कि ऐसी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। लव इज वेरी डेंजरस। कोई नहीं, आइए कभी कभी नजफगढ़ घुमाइए इसी बहाने। सर आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे सर। ठीक है, नजफगढ़ गुड वन। सर आपको इतना बारीकी से पढ़ने के लिए कितना समय लगा होगा सर? 20 साल लग गए। क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते 20 साल हो गए, तो चीजें पढ़ाते पढ़ाते आ जाती है ना अपने आप। पढ़ाते 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 आप गॉड वो हो जाता है। अब मुझे टोटल 20 साल हो गए, एकदम एग्जैक्ट 20 साल हो गए। सर ये वाला बनेगा, दैट डेंजरस मैन मेड हर लाइफ हेल। ऐसा भी हो सकता है, करेक्ट बनेगा। पास्ट टेंस में डेंजरस मैन मेड हर लाइफ हेल, मेड हर लाइफ हेल। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट के अंदर घुसाया है इसको, सब्जेक्ट का पार्ट बना दिया। गुड वन गाइस। तो कल हमने नाउन को कितनी जगह देखा था? 4 या 5 जगह देख लिया था ना? यस कॉम्प्लीमेंट, 4 जगह देखा था। एवं फिर भी मैं याद कर लूं, एक सब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट एंड प्रीपोजिशन सेपरेट प्रीपोजिशन और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसको 3 जगह होगा, इसको भी 4 जगह कर देते, इसको भी प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन आएगा उसे भी मॉडिफाई करने के लिए उस नाउन से पहले एडजेक्टिव लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि चलो मैं वाइवेशियस को ही उठा लेता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अब मैं कह रहा हूँ कि कोई प्रेपोजिशन लिखो, तो उस प्रेपोजिशन के तुरंत बाद लिखो ये वाइवेशियस, और फिर यहाँ पर लगा दो नाउन। और आपको पता है कि एडजेक्टिव से इधर इस तरफ आर्टिकल पोजिशन लेगा आपने, ये तो पता है ना कि आर्टिकल यहाँ बैठेगा, है ना? मैंने पहले कहा था आर्टिकल यहाँ बैठ जाएगा, बीच में दोनों के बीच में दीवार बन के आएगी, ये है बोला था ना, तो वैसे याद रखना। तो अब कोई ऐसा प्रेपोजिशन सोचो कि ये स्ट्रक्चर बनकर तैयार होता है क्या? अगर मैं अबाउट लगा दूं तो मैं बोल सकता हूँ कि अबाउट अ वाइवेशियस गर्ल। अब मैं पूरा सेंटेंस बोलता हूँ कि आई एम टॉकिंग अबाउट थिंकिंग अबाउट वाइवेशियस गर्ल। वाइवेशियस है सुपर्णा, क्या नाम उनका, स्वर्णा? वाइवेशियस नहीं है, नहीं सर, वाइवेशियस गर्ल। वाइवेशियस ही बोलती हो सर वो, लेकिन वो बहुत बढ़िया था सर वो, आपका आप एक वीडियो में भी चलता था वैसलीन। तो देखिए प्रेपोजिशन है, अब प्रेपोजिशन तो बहुत होते हैं, इन ऑन एट, हमें भी देखना है कि वो फिट क्या बैठ रहा है। जैसे कि अगर मुझे किसी को कहना है कि किसी ने बोला कि I live with my wife. अब वो बोले कि सर प्रेपोजिशन ही तो लगाना है, मैं इन लगा देता हूँ, तो सही होगा क्या? गलत हो जाएगा। तो सर ये वाला आएगा, डोंट फॉल इन लव विद वाइवेशियस गर्ल, फॉल इन लव विद, हाँ हाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। आई लिव विद माय वाइवेशियस वाइफ। ये हो सकता है, तो आई लिव विद, विद हमारा प्रेपोजिशन है। यस सर, माय इन ऑन, जरूर नहीं कि हर प्रेपोजिशन फिट बैठ ही जाए,
हमें देखना है कि सुटेबल क्या लग रहा है. फाइन गाइस, तो अब आप लोग इस पे चर्चा करें. मैं लेक्चर को यहाँ बंद करता हूँ.